बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं PWV.info, पाकवर्ड व्हीकल डॉट इन्फो। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली ये चैनल जो है वो इंफॉर्मेशन है व्हीकल्स के मतलब, वर्ल्ड्स व्हीकल, दुनिया के सारे व्हीकल वो हम शेयर करेंगे। तो आज जो व्हीकल हमने पकड़ा है जिसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है मैसी फर्गुसन 175। तो जैसा कि आपको पता ही, ये परकन का इंजन है इसमें, मेड इन इंग्लैंड के जो ट्रैक्टर बना है। तो ये तकरीबन 1964 से ले कर 1975 तक ये ट्रैक्टर बना। इसके टायरों का साइज बड़ा है। तो इसका इंजन जो है 4 सिलेंडर, जो 4 लीटर है। तो इसके इंजन में जो तकरीबन 8 लीटर ऑयल आता है और पिछले हिस्से बुट में तकरीबन 31.5 साढ़े 31 लीटर। तो ये चौड़े पर गाड़ों में भी है और गोल में भी है। तो इसमें तकरीबन एक है वो M75 175 जो कि नज़र आ रहा है अभी, ये इंग्लैंड का है, और दूसरा एक आगे आने वाला है वो अमेरिकन है। वो बेसिकली वो 175S है। तो इसमें दो ही ये मॉडल मुझे मिले जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये ट्रैक्टर जो है ये इसकी हॉर्स पावर 63 है। तो ड्रो बार पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हुक पे या ट्राली पे इसकी जो हॉर्स पावर है वो 63 है, और 63 क्लेम की इन्होंने PTO शाफ्ट पे। तो इस तरह ये इसकी हॉर्स पावर की डिटेल थी। इंजन आपके साथ पहले ही बात कर चुका हूँ कि ये 4 सिलेंडर है। तो इसका जो बैक ट्यूबे हैं वो भी बड़े वाली, जो कि आजकल ट्रैक्टरों में वही मॉडल वही फार्मूला है इसका भी। तो शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता चलता जाए कि ये ट्रैक्टर भी था, पहले बनता था 175। और आप शायद मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, लेकिन मेरा मतलब ये है कि सिर्फ ये मॉडल शेयर करने हैं, ये कितने मॉडल हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ, आप सब ट्रैक्टर के शौकीन जो लोग हैं वो उनके साथ पहले बहुत है। इसकी पावर का, इस हाइड्रोलिक का, इसके इंजन का, इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी का, कब ये बना, किस वक्त ने बनाया, वो तो सबको पता है तकरीबन, जो भी ट्रैक्टरों के शौकीन ट्रैक्टर लवर हैं। लेकिन ये इस मॉडल का जो है वो रिसर्च करके पता चलेगा आपको, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो नहीं था ट्रैक्टर, ये इंग्लैंड में देखा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, जैसा कि हमने ये सिलसिला शुरू किया है ये चलता रहे और मैं भी सीख रहा हूँ, इल्म हासिल कर रहा हूँ। इल्म हासिल तो बंदा बचपन से लेके बूढ़ा होने तक चलता रहता है ना, इल्म ही है ये। तो जो मेरे पास इल्म आया मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया आपको। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छी उम्मीद है कि लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो एक नई व्हीकल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। ओके, रब रखा।